किताब, ये किसी की दोस्त है, किसी की हमसफर। कोरोना काल आया तो लोगों ने किताबों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया, तो इस बीच किताबों का ट्रेंड भी बदला। योगा, सेल्फ हेल्थ और मोटिवेशनल किताबों की ओर ज्यादा रुझान देखकर लोग अब इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपीएससी की तैयारी कर रही आयुषी सिंह एक बुक लवर हैं। वो करीब 2 घंटे रोजाना विवेकानंद लाइब्रेरी में बिताती हैं और वहां के रेगुलर मेंबर भी हैं। आयुषी का कहना है कि वो हिस्ट्री, फिक्शन और नॉन फिक्शन नॉवेल पढ़ना पसंद करती हैं, लेकिन समय के साथ पढ़ने के मिजाज में भी बदलाव आया है और अब वो स्पिरिचुअलिटी और योगा की किताबें पढ़ रही हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल बुक्स, फिटनेस वाली बुक्स, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वाली बुक्स पे थोड़ा ज़्यादा रुझान आया है। यहाँ पे भी कई सारी ऐसी बुक्स आई हैं, जैसे ये नई बुक है स्वामी मुकुनानंद जी की, तो इसमें ऐसी बुक्स पढ़ने से थोड़ा सा मेंटली फिट हम हो रहे हैं। आयुषी अकेली नहीं हैं जिनका किताब पढ़ने के इंटरेस्ट में चेंज आया है। दरअसल कोरोना काल के बाद बुक लवर्स की रुचि योगा, सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन की तरफ आया है। लोगों ने माना है कि लॉकडाउन में किताबों ने उनका सबसे ज़्यादा साथ दिया है। कोरोना के बाद आया हूँ तो थोड़ा सा जो मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा सा टिल्ट हो गया है कि जो ऐसी बुक्स की तरफ जो मुझे फिजिकली फिट रखें, मेंटली फिट रखें, मोटिवेशनल बुक्स जो मुझे मतलब नेगेटिविटी दूर रखें, बेसिकली ऑप्टिमिज्म की तरफ टिल्ट हो रहा है कि पॉजिटिव वाइब्स आएँ, पॉजिटिविटी की तरफ रुझान हो मेरी, उस टाइप की बुक्स की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। रिसर्च के मुताबिक मोटिवेशनल, योगा से जुड़े आर्थर की किताबों के पढ़ने में लोगों की रुचि बढ़ गई है। कई आर्थर की किताबें जैसे जय शेट्टी की थिंक लाइक अ मॉन्क, रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, हु विल क्राई व्हेन यू डाई काफी पसंद की जा रही हैं। योग और सेल्फ हेल्प से जुड़ी देवधर पटनायक की 64 आसन, उनकी कहानियां, एसके चौधरी की हेड बुक ऑफ योगा ज्यादा पढ़ी जाने लगी है। भारत की संस्कृति में योग को बहुत महत्व दिया गया है मेंटल हेल्थ को जरूरी बनाते हुए, इसलिए लोगों ने अब योग की किताबें पढ़ना शुरू कर दी हैं। ये जरूर देखने में आया कि जो मोटिवेशन बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प से बुक्स रिलेटेड बुक्स हैं, उनकी तरफ रुझान बढ़ा है। तो रॉबिन शर्मा जैसे ऑथर्स हैं, इकीगाई जैसी किताबें तो जैपनीज साइकोलॉजी पर बेस्ड है, इन किताबों की तरफ काफ़ी रुझान बढ़ा है, तो ये एक चेंज हमें देखने में आया है। किताबें लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती हैं। अच्छी किताबें हमें पॉजिटिव जिंदगी जीने में मदद भी करती हैं। किताबें हर इंसान को पढ़ना चाहिए, अब चाहे वो मजे के लिए हो या फिर ज्ञान के लिए या कुछ पाठ सीखने के लिए। हर एक शख्स को किताबों से दोस्ती करना जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाती हैं। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।